आपके बेटे ने ठिठाई की हद कर दी, गुनाह भी कर लिया और उसे कबूल भी कर लिया। मोहब्बत के दावों का लाइसेंस मिल गया उन्हें। मेरे बेटे ने कम से कम अपना गुनाह तो कबूल कर लिया ना, तुमने तो अभी तक ये भी नहीं किया। आपकी यही बातें उन्हें शह देती हैं। महापारा की तरफ उसे तुमने धकेला था। अगर तुम महापारा के खिलाफ उसके दिल में बदगुमानी ना डालती तो उसकी मजाल थी कि वो उसे नजर उठाकर भी देखता। आपने क्या किया? आपने भी तो यही किया। क्या आपने राज के दिल में बदगुमानी नहीं डाली? आप इस घर में उसे लाने के लिए तैयार थी? ठीक है, मैं उसे राज की जिंदगी में ना लाती, लेकिन कम से कम किसी अच्छी जगह उसकी शादी तो करवा देती ना, जो कि मैं अब भी करूंगी। मतलब ये कि पहले वो इस घर में बेटी की तरह रहती थी और अब वो यहाँ बहू बनकर आना चाहती है। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम इतनी तवज्जो खुद पर पहले दे लेती ना तो तुम्हें ये दिन देखना ही ना पड़ता। सोहेल उसकी तरफ इतनी तवज्जो ही ना देता। मतलब क्या है इस बात का? हाजरा, तुम्हारा बेटी का साथ, मैं चाहती हूँ कि तुम सोहेल के दिल के इस तरह करीब रहने की कोशिश करो कि वो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी ना कर सके, वरना। आप कहना चाहती हैं कि वो मेरे शौहर से शादी करना चाहती है? नहीं हाजरा, वो तो बचपन में कभी टूटा हुआ पराठा भी नहीं खाती थी, तो बटा हुआ शौहर भला कैसे कबूल करेगी? तो बस वो सोहेल को इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिस डर से उसे इस घर से निकाला था ना, मेरा वही डर वो सच साबित करना चाहती है। तो उसे राइट चाहिए और वो ये सब राइट के लिए कर रही है।